क्योंकि सन्यासी का सन्यास भी आपके लिए जरूरी है, सन्यासी का ज्ञान भी आपके लिए जरूरी है, और देखो सन्यासी के लिए आप भी बहुत जरूरी हैं। आप सज्जनों ये बताइए, कौन छोटा है कौन बड़ा है? इसी तरह से वर्ण की व्यवस्था में समझ लेना। भगवान ने कुछ मार्मिक दृष्टि से समझने के लिए एक पूरी व्यवस्था का विवरण दिया। इसी के बाद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग पर चर्चा दी। उद्धव, ध्यान देना सज्जनों, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे और परीक्षित जी के पास अब लगता है समय बहुत कम है, और उद्धव जी को भगवान सुना रहे हैं। भगवान सोचते हैं कि ये मेरा इस संसार का अंतिम संदेश है, इसलिए उद्धव को जितना कुछ बोला जा सकता है, एक सीमित समय है, बहुत सीमित दिनों का समय है, भगवान बोलते चले जाते हैं। भगवान ने तत्वों का विवेचन किया, प्रकृति में क्षोभ होने से महातत्व, महातत्व से अहंकार, और अहंकार के तीन भेद हैं, राजस, तामस और सात्विक। तामस में पांच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, और राजस अहंकार का परिणाम है ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां और सात्विक अहंकार का परिणाम है उनके अधिष्ठाता देव। इस तरह से ये शरीर एक आश्रय है, जो पुरुष है चेतन वह इससे अलग है, जो कल आज सुबह बता रहे थे, जो अलग है उसको अलग देख लो। व्यवहार संयुक्त रूप से चल रहा है, व्यवहार यहां कहा है, एक पक्षी एक वृक्ष में घोंसला बनाता है और पक्षी ने देखा कि उस वृक्ष को नीचे से काटा जा रहा है जिस वृक्ष में उसने घोंसला बनाया, तब वो क्या करेगा? क्या घोंसले को पकड़ के रखेगा? पक्षी ने देखा कि वृक्ष जब काटा जा रहा है और वृक्ष कटने के साथ घोंसला भी गिरेगा, इसी के साथ पक्षी ऊपर उड़ जाता है। पक्षी का मतलब है या अपने पंखों से उड़ गया। ध्यान दें, पंखी कहां उड़ गया? जिस घोंसले में बैठा हुआ पंखी था उससे वह ऊपर उड़ जाता है, मुक्त आकाश में। किससे उड़ता है? दो पंखों से, एक पंखों से नहीं। पंखी के दो पंखे ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक हैं। और देखो, किसी पंखी से पूछा जाए कि तुम्हें तुम्हारा कौन सा पंख प्रिय है, तो क्या बताएगा पंखी? मैं कभी कभी बहुत विनोद में मैं पूछता हूं, तुम्हारा किस हाथ से काम लेते हो, कौन सा हाथ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है? अब सज्जनों, किसी जरूरत के लिए यह है,
और किसी जरूरत के लिए यह है। जरूरत को आपने बांट दिया है, ये आप नहीं कह सकते कि यह जरूरत अपने स्तर में बहुत अच्छी है और यह जरूरत अपने स्तर में न्यून है। नहीं, आपके ये दोनों ही अपने हैं। इसी तरह सज्जनों, जीव के लिए ज्ञान और विराग बहुत जरूरी है। ज्ञान और विराग के द्वारा जब लगे कि यह संसार छूटने जा रहा है, इस संसार में कहा द्वाशुपर्ण सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाति। जिस तरह से पंखी घोंसला बना करके रहता है, इसी तरह से शरीर रूपी वृक्ष में सज्जनों अंतःकरण है और अंतःकरण में यह जीव रूपी पक्षी रह रहा है और उसी के बगल में दूसरा भी पक्षी है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, वे दोनों मित्र हैं। सज्जनों, यहां पर यह बताया जा रहा है कि जब अलग होने का वक्त आ गया तो अपने आप को पहले से ही अलग समझ लो, और अलग होने का वक्त आ गया तो तुम्हारा घर जब गिर रहा हो तो गिरने के पहले ही सोच लो कि तुम्हें नए घर में जाना है। इसी का नाम है ज्ञान। इसी ज्ञान के संदर्भ में सांख्य योग, योग जिसको पातंजलि योग कह सकते हैं, सांख्य के आचार्य हैं कपिल महाराज, योग के आचार्य हैं पातंजलि महाराज, और वेदांत के आचार्य हैं भगवान वेदव्यास, इसी तरह से न्याय मीमांसा आदि बहुत से अपने अपने ज्ञान के ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, लेकिन एक ज्ञान मुख्य है, वह है अपनी पृथकता का ज्ञान। उसी पृथकता के ज्ञान से आप अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। आइए, भगवान ने उद्धव को इस तरह चारों तरफ से ज्ञान देने के साथ धीरे धीरे कहते हैं, उद्धव अब तुम्हें यहां से चला जाना चाहिए। उद्धव सुनते सुनते हाथ जोड़े भगवान के सामने बैठे हुए हैं। सा एव मा दर्शित योग मार्ग तदोत्तम श्लोक वचो निशम्यो बद्धांजलि प्रीत्युपरुद्ध कंठो न किंच दूचे श्रुपरिप्लुताक्ष। हाथ जोड़े हुए हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। भगवान कहते 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 हैं, उद्धव यही तुम्हारे लिए अंतिम उपदेश है। देखो, अब तुम बदरिकाश्रम चले जाओ, और एक बात का ख्याल रखना, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, मेरे में अपने चित्त को मग्न रखना। संसार सिर्फ एक क्रीड़ा भूमि है। जिस तरह से बच्चे मिट्टी के खिलौने मिट्टी में ही बनाते हैं और अचानक जब मां पुकारती है तो उन बनाए हुए मिट्टी के घरों को गिराते हुए दौड़ करके चले जाते हैं। विष्टभ्य चित्तम
प्रलयावघूर्ण विष्टभ्यचित्तम प्रणयावघूर्णम धैर्येण राजन बहुमन्यमानः कृतांजलिः प्राह यदुप्रवीरम् शीर्षास् प्रशंस तच्चरणारविन्दम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब भगवान इस तरह से बात कर रहे थे तो उद्धव जी भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़े हुए इस तरह से बोला, इस तरह से बात की। क्या बात की? नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनुषाधिमाम यथा त्वत् चरणाम भोजे रति स्यादन पायिनी। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनुषाधिमाम यथा त्वच्चरणाराम भोजे रति स्यादन पायिनी। हे योगिन, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार करें। जिस तरह से भी संभव हो आपके चरण कमलों में मेरी कभी भी नष्ट न होने वाली रति हो, रति आपके चरणों में मेरी रति रहे, बनी रहे। उस समय भगवान ने कहा है, उद्धव गच्छोद्धो मयादिष्टो वदर्याख्यम ममाश्रमम तत्र मत्पाद तीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनै शुचिः ईक्षयालक नन्दाय विधूताशेष कल्मषः वसानो वल्कलान्यङ्गो वन्य भुक् सुख निस्पृह तितिक्षुर द्वंद मात्राणाम सुशील संयतेन्द्रिय शांत समाहित धिया ज्ञान विज्ञान संयुतः। उधो बदरिक आश्रम मेरा ही आश्रम है, वहां का तीर्थोदक स्नान से स्पर्श से पवित्र करने वाला है। अलकनंदा समस्त कलमश को धो देने वाली है। पहनने के लिए बलकल पहन लेना, वन्य भूख सुख निष्प्रिया, खाने के लिए जो कुछ भी सहज रूप से मिल जाता है, वन्य फल मिल जाते हैं, उनको खाते हुए सुख की स्पृहा न रखते हुए तितिक्षा से चलते हुए अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए शांत और समाहित बुद्धि से ज्ञान विज्ञान में अपनी तत्परता रखते हुए अपना समय यापन करो। जब उद्धव जी भगवान के ये शब्द सुनते हैं तो उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। भगवान ने कहा, उद्धव अब समय हो चुका है। उद्धव जी न चाहते हुए भी भगवान के पास से, भगवान की चरण पादुका अपना सिर नमाते हुए
उसी के साथ प्रस्थान कर जाते हैं। परीक्षित जी ने उस समय सुखदेव जी महाराज से पूछा कि उद्धव जब बद्रिकाश्रम को प्रस्थान कर गए तब द्वारका में क्या हुआ, द्वारका में भगवान ने क्या किया? तो भगवान ने एक संदेश अपनी सुधर्मा नाम की सभा में दिया है। सुधर्मा नाम की भगवान की द्वारका में सभा हुई। भगवान ने कहा अब द्वारका में तरह तरह के अपशकुन हो रहे हैं, उत्पात बढ़ते चले जा रहे हैं, अब जितने भी युवक हैं द्वारका छोड़ दें, स्त्रियां शंख और वृद्ध शंखोद्धार की तरफ चले जाएं। भगवान ने ये सभा में घोषणा की। कहते हैं जब यदुकुल का विनाश होने का समय आया तो उस समय 13 दिन का पक्ष था। भगवान की बात पर विश्वास करते हुए जितने भी यदु कुल के युवा हैं, स्त्रियां हैं, वृद्ध हैं, वो सब शंखोद्धार चले गए और यादवों ने प्रभास क्षेत्र की तरफ नौकाओं से प्रस्थान किया। भगवान ने कहा वहां जाकर आराधना करें, बहुत बड़े उत्पात का संकट का समय आ चुका है और इस संकट से और कोई नहीं बचा सकता, देव पूजा और अर्चना ही बचा सकती है। सभी युवा यादव जिसमें प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, अक्रूर, भोज, सात्यकी के साथ जितना भी युवा परिबल है सब प्रभास क्षेत्र में पहुंच जाता है। पूजा की और पूजा करने के बाद अचानक किसी बात से थोड़ा विवाद हो गया और विवाद का कारण क्या था, मैरेयक नाम की सुरा पी ली। पीने में बड़ी मीठी थी, बड़ी स्वाद देने वाली थी, लेकिन बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली थी, विवेक को नष्ट करने वाली थी। उसको पीने के साथ कहा है ततस्तस्मिन् महापानम् पपुर्मैरेयकम् मधु दिष्ट बिभ्रंसित धियो यद्रवैर्भृष्यते मतिः महापानाभिमत्तानाम् वीराणाम् दृप्तचेतसाम् कृष्णमाया विमूढानाम् संघर्षासु महान् भूत। उस मरेक्षुरा के पी लेने के बाद उनमें एक अहंकार पैदा हो गया, उस अहंकार में परस्पर विवाद पैदा हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्ण माया के वशीभूत होकर वे एक दूसरे पर लांछन लगाने लगे। एक दूसरे पर लांछन लगाएं, तुमने किया, तुमने किया, ये तुम्हारा दोष है। पहले वाग युद्ध होता है और वाग युद्ध के साथ मुष्टि युद्ध और मुष्टि युद्ध के साथ लगता है कि अब कुछ और उठाना पड़ेगा। अगर डंडा मिल जाए तो डंडा उठाएंगे, डंडा तो नहीं मिला वहां पर,
किसी के पास तलवार थी तो किसी ने मैरे घास वहां पर जो घास उगी हुई थी उसको उठाया, वह घास इतनी तीखी थी और घास इतनी कठोर थी कि वह अस्त्र शस्त्र का काम करने लगी। और कहते हैं कौन किससे भिड़ रहा है, विवेक नष्ट हो गया। प्रद्युम्न सांब से भिड़ गए, प्रद्युम्न सांबौ युधरूढ़ मत्सरा वक्रूर भोजा वनिरुद्ध सात्यकी। प्रद्युम्न सांब के साथ, अक्रूर भोज के साथ और अनिरुद्ध सात्यकी के साथ, ये तो उदाहरण दे रहे हैं, आपस में संघर्षरत हो गए।